किचन टिप्स किचन में हम लोगों का काम इजी करता है। कुछ टिप्स मैंने ग्रैंड मॉम मॉम और कुछ टिप्स मैंने शादी के बाद मदर इन लॉ से सीखा है। ये टिप्स डे टू डे किचन के काम में मुझे बहुत हेल्प करते हैं। हेलो एवरीवन, आई एम मोनामी, वेलकम बैक टू माय चैनल। पोटैटो एक ऐसा वेजिटेबल है जो सब वेजिटेबल के साथ सब्जी में लगता है। पोटैटो पील करके रख देने से उसका कलर चेंज होके ब्लैक जैसा हो जाता है। तो पोटैटो का कलर चेंज नहीं होने के लिए पोटैटो को कट करने के बाद वाटर में रखना चाहिए, तब पोटैटो का कलर चेंज नहीं होगा। पोटैटो पील करने के बाद एक्स्ट्रा पोटैटो रह गया तो कंटेनर में डालती हूँ और पोटैटो के ऊपर तक पानी डालती हूँ और कंटेनर का लीड लगा के मैं फ्रीज में रख देती हूँ। ऐसा करके रखने से पोटैटो फ्रीज में 2 डेज तक अच्छा रहेगा, पोटैटो का कलर भी चेंज नहीं होगा। ऑनियन डेली कुकिंग में यूज़ होता ही है। ऑनियन कट करने के बाद हाथ में स्मेल रह जाता है, सोप से हैंड वॉश करने से भी इसका स्मेल नहीं जाता है। सो ऑनियन कट करने के बाद ऐसे 1 स्लाइस पोटैटो लेकर पूरे हाथ में लगाकर 15-20 सेकंड के बाद हैंड वॉश करने से ऑनियन का स्मेल नहीं रहता है। मिक्सर ग्राइंडर के जार में हम लोग ऑनियन टोमेटो ये सब ग्राइंड करते हैं, बट ग्राइंड करने के बाद मिक्सर जार अच्छे से वॉश करने से भी जार में स्मेल रह ही जाता है। सो मिक्सर जार में 2-3 ड्रॉप्स डिश वॉश लिक्विड एंड 1/2 ग्लास वाटर डालकर जार को 20-30 सेकंड के लिए मिक्सर ग्राइंडर चलाकर उसके बाद वॉश करने से जार का स्मेल अच्छे से चला जाता है। कुकिंग के लिए मैं गार्लिक बहुत यूज़ करती हूँ, बट गार्लिक पील करना रियली एक डिफ़िकल्ट काम है। बट गार्लिक पील करने से पहले वाटर में 2 मिनट्स के लिए सोक करके रखने से गार्लिक इजीली पील कर सकते हैं। एप्पल कट करके किड्स के टिफ़िन में हम लोग देते हैं, बट एप्पल कट करने के थोड़ी देर बाद ही इसका कलर ब्राउन होने लगता है। 1 स्पून लेमन में 1/2 ग्लास वाटर डालकर इसमें कट किया हुआ एप्पल 1 मिनट के लिए मैं रख देती हूँ एंड उसके बाद एप्पल पीसेस को टिफ़िन में पैक करती हूँ। जो 1/2 एप्पल रह जाता है उसमें मैं ऐसे लेमन थोड़ा अप्लाई करके फ्रीज में रखती हूँ, देन एप्पल का कलर चेंज नहीं होता है। ग्रीन चटनी, चाट, समोसा, पराठा, राइस, रोटी सब के साथ हम लोग खाते हैं, बट ग्रीन चटनी ग्राइंड करने के थोड़ी देर बाद ही इसका कलर डार्क हो जाता है। चटनी का कलर चेंज नहीं होने के लिए ग्राइंड करने के टाइम लेमन जूस मैं थोड़ा ज़्यादा डालती हूँ और इंस्टेंट ऑफ वाटर इसमें मैं आइस क्यूब डालती हूँ। चटनी में लेमन जूस थोड़ा सा ज़्यादा एंड आइस क्यूब डालने से ग्रीन चटनी का कलर बहुत अच्छा दिखता है और बहुत टाइम तक ये कलर चेंज नहीं होता है। ग्रीन चटनी को ग्राइंड करने के बाद अच्छे से कंटेनर में फ्रीज में रखने से 2 दिन तक ये ख़राब नहीं होगा और इसका कलर भी चेंज नहीं होगा। दाल हम लोग एयर टाइट कंटेनर में ही रखते हैं, बट एयर टाइट कंटेनर में रखने से भी कभी कभी इसमें इंसेक्ट्स आने लगते हैं। सो दाल को इंसेक्ट से बचाने के लिए मैं दाल के कंटेनर में बे लीव्स रखती हूँ। कभी कभी बे लीव्स अवेलेबल नहीं होने से रेड चिली भी रखती हूँ। दाल को इंसेक्ट से बचाने के लिए बे लीव्स या रेड चिली दोनों में से एक रख सकते हैं। सूजी से बहुत सारे रेसिपीज बहुत जल्दी बन जाते हैं, इसलिए मैं सूजी अपने किचन में रखती ही हूँ। बट सूजी में बहुत जल्दी ही स्मॉल वाइट इंसेक्ट्स होने लगते हैं, सो सूजी को मैं पहले 2-3 मिनट्स के लिए ड्राई रोस्ट कर लेती हूँ। ड्राई रोस्ट करने के बाद सूजी को ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। सूजी रूम टेम्परेचर में आने के बाद एयर टाइट कंटेनर में रखती हूँ। ऐसे रोस्ट करके एयर टाइट कंटेनर में रखने से सूजी बहुत दिन तक अच्छा रहता है और इसमें इंसेक्ट्स नहीं आते हैं।
हम लोग राइस ज़्यादा क्वांटिटी में ही लाते हैं, मोस्टली 5 kg के पैकेट ही परचेज करते हैं। सो राइस को इंसेक्ट से बचाने के लिए मैं राइस में तेज पत्ता यानी बे लीफ रखती हूँ। बे लीफ रखने से इंसेक्ट्स नहीं आते हैं और राइस बहुत दिन तक अच्छा रहता है। बे लीफ के अलावा राइस में ड्राइड नीम लीव्स, ड्राइड करी लीव्स, ड्राइड रेड चिलीज रख सकते हैं। मतलब इन चारों में से कोई एक भी रखने से राइस बहुत दिन तक अच्छा रहता है। मिल्क का सॉस पैन गैस में रखकर उसके पास खड़े रहो तो मिल्क बॉईल ही नहीं होता है। और मिल्क का सॉस पैन गैस में रखकर कुछ सेकंड के लिए भी थोड़ा दूर जाओ तो उस तरफ मिल्क गिर के फुस। आपके साथ ऐसा होता है? मेरे साथ पहले ऐसा बहुत होता था। आजकल मैं क्या करती हूँ, मिल्क को एक हेवी बॉटम वाले सॉस पैन में डाल के गैस को मीडियम फ्लेम में रख के सॉस पैन के ऊपर एक स्पैचुला रख देती हूँ। ऐसे करने से मिल्क सॉस पैन से बाहर नहीं गिरता है और अच्छे से बॉईल हो जाता है। आज के 10 किचन टिप्स में से आप लोगों को कौन सा ज़्यादा अच्छा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोगों का किचन टिप्स भी मेरे साथ जरूर शेयर करना। आज का ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर करना। आप मेरे इस चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना एंड बेल बटन को क्लिक करना न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। तब तक के लिए बाय बाय एंड सी यू।